सीन दिखाया गया है और वो जिस प्रकार की यहाँ पे पूरी जो है वो पेंटिंग बनाई गई है आपके सामने दिख रही होगी आपको। और हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी न्यू ब्लॉग में। यह है जयपुर का रेलवे स्टेशन जो कि कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिखाई देता है। रात के 10 बजे आपको यहाँ पर जो अक्सर अच्छी खासी रीच मिल जाती है। जयपुर जो है वह राजस्थान की राजधानी है और यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। अगर आप हमारा पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया इस शहर, क्योंकि यहाँ शहर के लोग जो है ना अच्छे नहीं है, ना ही इनका व्यवहार अच्छा है। अगर सिटी में जाते हैं तो आपको वहाँ पर अच्छे लोग मिलते हैं, बट यहाँ आप मोस्टली जगह में जो है आपको बेकार ही लोग मिले हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग अच्छे होते हैं कुछ बेकार होते हैं, लेकिन यहाँ मोस्टली जो भाई बेकार ही लोग मिले हैं। देखेंगे यहाँ बजने वाले हैं 10:30 और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे पूरा नज़ारा है जयपुर रेलवे स्टेशन का। इसका जो है अभी रिकन्स्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसमें आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो है ये न्यू स्टेशन बनने वाला है। और यहाँ पार्किंग व्यवस्था आपको बाहर ही देखने को मिल जाती है। स्टेशन जो काफ़ी बड़ा है और जयपुर जैसा कि राजस्थान की राजधानी है और इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसके पीछे भी कहानी है कि कोई यहाँ पे एक राजा आया था जिसने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग जो है वो एक ही कलर से हैं, जो कि उसने उस समय कलर का नाम नहीं होता था, तो उसने उस कलर का नाम जो है पिंक रख दिया। उसके बाद से इस सिटी को जो है पिंक सिटी के नाम से जाने लगा है। तो ये है पूरा जयपुर रेलवे स्टेशन, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट अलग अलग जगह दिए गए हैं आपको। यहाँ एंट्री एक दी गई है और साइड में आपको एग्जिट का पॉइंट दिया गया है इधर साइड पे। और अगर आप टिकट लेना चाहते हैं तो आपको टिकट लेने के लिए इधर जाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम चलते हैं इधर साइड। अब देखेंगे अंदर से कुछ इस प्रकार का पूरा जो रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है क्योंकि यहाँ से आपको खाटू श्याम जाना होता है, तो यहाँ पर खाटू श्याम जाने वाले लोग बहुत सारे आते हैं। और वो बेचारे खाटू श्याम के लोग तो अच्छे हैं, वहाँ से जब आप आते हो ना जयपुर की ओर, तो जयपुर इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि आप खाटू श्याम से यहाँ घूमने आते हैं, तो भाई आपको हर चीज़ में जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, हर चीज़ में जो लूटपाट करते हैं। तो फिलहाल आप देखेंगे ये है पूरा स्टेशन का नज़ारा। अभी यहाँ बज रहे हैं 10:30 और यहाँ पे चेकिंग वगैरह लगी गई है। अगर आपको सामान लग जाते हैं तो यहाँ से पहले चेक करवाना होता है और यहाँ से आपको जो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट यहाँ से मिल जाते हैं। ये है यहाँ पे आप टिकट वगैरह कटाते हैं। हमारे पीछे देखेंगे आप यहाँ पर टिकट काउंटर वगैरह है, अगर टिकट कटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से टिकट कटा सकते हैं। यहाँ देखेंगे जहाँ आप टिकट कटाने आते हैं ना भाई, यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है आपको रोज़, यहाँ जो है बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। ये पूरा भरा रहता है, यहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं वो लोग भी सो जाते हैं और जो बाहर से यहाँ सफ़र करते हैं आते हैं वो लोग भी यहाँ पर जो है सो जाते हैं। अच्छी चीज़ दिखी स्टेशन में, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं। किंग आप यहाँ पे जो है पीछे हवा महल बना हुआ है, उसके सामने आपको हाथी देखने को मिल जाएगा और उसके साथ में सैनिक वगैरह और कुछ लेडीज़ हैं जो कि उसमें पूजा वगैरह कर रही हैं हाथी की। और वहाँ देखेंगे आपको पहाड़ वगैरह का सीन दिखाया गया है और कुछ इस प्रकार की यहाँ पर पूरी जो है वो पेंटिंग बनाई गई है आपके सामने दिख रही होगी आपको। और यहाँ पर कुछ जो है वो ट्रेन की डिटेल वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। ये पूरा जो है वो वेटिंग हॉल है जो कि यहाँ पे बना हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और अपनी ट्रेन का जो है वेट कर रहे हैं। और यहाँ से आपको जो है एंट्री और एग्जिट एंट्री लेनी है और एग्जिट पॉइंट आपको दिखाया हमने यहाँ से दिया गया है। यहाँ तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको एग्जिट पॉइंट देखने को मिल जाएगा। आप लोग देखेंगे होने वाला हमारा जो अपकमिंग जयपुर का रेलवे स्टेशन कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा आप लोगों को। यहाँ पे जो है इसका डमी वगैरह लगा के रख दी गई है कि ये किस प्रकार के बनके तैयार होने वाला है। तो आप देखिए कुछ इस प्रकार का पूरा यहाँ पे जो है वो जयपुर का रेलवे स्टेशन होने वाला है जो कि बनके तैयार होगा।
कुछ इस प्रकार से पूरा जो है जयपुर का रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होने वाला है, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। यहाँ पे अभी इसका जो काम चालू हो गया है और ये कुछ ही समय पश्चात जो है बनके चालू भी हो जाएगा। और पीछे देखेंगे आप, पीछे प्रकार से कुछ कॉलोनी वगैरह दी जाएंगी या फिर कुछ पार्ट वगैरह बनाए गए हैं जो कि यहाँ पर बनकर तैयार होंगे। ये स्टेशन जो है बहुत ही बड़ा और बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जो कि बनके तैयार होने वाला है। अभी इसका काम जो है शुरू हो गया है, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में आपको ये बनके तैयार दिखेगा।